मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1,00,000 केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष कांबोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पर इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21,00,000 मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी है। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए।